हेलो एंड वेलकम टू इंडिया न्यूज डिजिटल और मैं हूं आपके साथ उर्वशी शर्मा। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणवीर सिंह ने लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। रणवीर सिंह ने अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपने अंदाज और लाइवलीनेस से भी लोगों के दिलों में जगह बनाई है। लेकिन आपको बता दें कि रणवीर सिंह को फिल्मों में लॉन्च करने वाला और कोई नहीं बल्कि YRF बैनर है। रणवीर सिंह को लॉन्च किया था यशराज फिल्म्स ने इन द ईयर 2012 विद द फिल्म बैंड बाजा बारात। उसके बाद भी रणवीर सिंह ने यशराज फिल्म्स के साथ कई फिल्मों में काम किया है, जैसे कि लेडीज वर्सेस रिकी बेल, किल दिल, गुंडे, बेफिक्रे और अब रिसेंटली जयेश भाई जोरदार में। लेकिन अब सुनने में आया है कि रणवीर सिंह हैज नाउ पार्टेड वेज विद YRF टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी। रणवीर सिंह वॉज बींग मैनेज्ड बाय द YRF टैलेंट एजेंसी एंड नाउ आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ पार्टनरशिप दे हैव नाउ डिसाइडेड टू पार्ट वेज इन दिस रिगार्ड। एक इनसाइड सोर्स की माने तो ऑल इज वेल बिटवीन YRF एंड रणवीर सिंह एंड YRF विल ऑलवेज बी अ होम टू रणवीर सिंह। आपको बता दें कि रणवीर एंड YRF विल कंटिन्यू टू कोलैबोरेट एंड मेक फिल्म्स इन द फ्यूचर। YRF एंड रणवीर सिंह एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा और रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप शेयर करते हैं और वो अपना रिलेशनशिप हमेशा ही ऐसा रखना चाहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले न्यूज आई थी कि परिणीति चोपड़ा ने भी YRF टैलेंट एजेंसी से अलग होने का फैसला ले लिया था। परिणीति चोपड़ा ने भी अपनी डेब्यू फिल्म लेडीज वर्सेज रिकी बेल से किया था, विच वॉज मेड अंडर द YRF बैनर ओनली। और अब उसके कुछ ही दिनों बाद रणवीर सिंह ने भी YRF का साथ छोड़ दिया। सोर्सेस की माने तो रणवीर सिंह इज नाउ इन टॉक्स विद द कलेक्टिव टैलेंट एजेंसी। हालांकि इस बात पे अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण इज ऑल्सो बींग मैनेज्ड बाय द कलेक्टिव टैलेंट एजेंसी ओनली। रणवीर सिंह के वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह विल बी नेक्स्ट सीन इन रोहित शेट्टीज फिल्म सर्कस, विच विल बी अ क्रिसमस 2022 रिलीज। उसके साथ ही रणवीर सिंह करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी नजर आएंगे। आपको बता दें कि फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है और आज की वीडियो में बस इतना ही। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज डिजिटल एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।